नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्रीय गिरिमिट। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये जो महीना है ये श्रावण मास है और पवित्र श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय पूजा अनुष्ठान किए जाते। दोस्तों भोलेनाथ का एक रौद्र रूप हनुमान जी हैं, वो शिव के रौद्र रूप हैं और हनुमान जी कलयुग के हाजिर हुजूर देव माने गए। राम भक्त हनुमान जी कलयुग में राम के जो भी भक्त हैं उनका पूरी तरह से उनकी सुरक्षा और उनको हर तरह से सुरक्षित रखते हैं। श्रावण मास के शनिवार के दिन आपको एक छोटा सा उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिससे अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है और आप नौकरी करना चाहते हैं तो वो आपको 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं तो दोस्तों आपका कर्जा पूर्ण रूप से उतर जाएगा। अगर आपका पैसा कहीं किसी के पास आपने दिया हुआ है या किसी से लेना है और वो नहीं दे रहा है तो दोस्तों आपका सामने वाले के पास से पैसा वो हाथ जोड़ के आपको वापस लौटा है। और अगर कहीं आपके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि है तो दोस्तों इस उपाय से शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, श्रावण मास के किसी भी शनिवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको नहा धो के स्वच्छ होना है, स्वच्छ कपड़े पहनने और शनिवार के पूरे दिन में सुबह से शाम तक किसी भी समय आपको हनुमान मंदिर में जाना है जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो। शाम के समय अगर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको तेल ले लेना है थोड़ा सा, क्या करना है थोड़ा सा तेल ले लेना है और उसमें जो हनुमान जी को चढ़ता है वो सिंदूर डाल देना है और थोड़े से काले तिल डाल देने हैं उस तेल में और वो तेल आपको हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के ऊपर चढ़ा देना है। तेल चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। ये जो हनुमान चालीसा है दोस्तों ये बहुत बड़ा पावर है, इसके अंदर इतना पावर है कि आप जितना यूज करना चाहे उतना पावर आपको इस हनुमान चालीसा के अंदर मिल जाए। और हनुमान चालीसा का जो भी पाठ कर लेगा श्रावण के किसी भी शनिवार को हनुमान मंदिर के अंदर बैठ के, दोस्तों हनुमान जी उसकी हर समस्या को एक चुटकी बजा के खत्म कर देंगे। चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, क्योंकि हनुमान जी को एक नाम उनका दिया गया है संकट मोचन, वो किसी भी संकट को हर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी चाहे जो भी समस्या हो आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करने के बाद आप हाथ जोड़ के हनुमान जी को अपनी समस्या बोल दें। आप देखेंगे
नेक्स्ट शनिवार नहीं आएगा, उससे पहले पहले आपकी समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, आप करके देखें, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या क्या अच्छा होने लग गया है। तो करते रहिए, इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।